हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की सीरीज में हम पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं ग्रुप ए के लिए। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से, जो हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो हम यहाँ पर मैथ्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, फिजिक्स की भी आपकी स्टार्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स के जो पीछे की वीडियो कवर हो चुके हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को देखेंगे। कल हमने सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि उसका क्या रोल होता है, कितने टाइप के सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो आप इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। और दूसरे वीडियो में हम क्या करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे हमको सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं। और लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कंप्लीट करने के लिए, आप खुद उसको सॉल्व कीजिएगा और उसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये है कि ब्रैकेट में 4 + 4 + 4 डिवाइड 4 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। और सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को हम छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका छोटे से छोटे मिनिमम जो मान होता है वो हम ज्ञात करते हैं। जितने पार्ट में डिवाइड हो सके, जितना सॉल्व हो सके उतना करके हम जो मिनिमम मान होता है, जो छोटा बहुत छोटा मान होता है उसको हम ज्ञात करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, सरल करते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन आज का है और इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका जो एक रूल है सिंप्लीफिकेशन का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा तभी आप इसके रूल्स वगैरह समझ पाएंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास जिसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन में, बिना इसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है थोड़ा हम यहाँ पर बता देते हैं। BODMAS बोर्ड मास को आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, ये नहीं कि डी को पहले कर दिए बी को बाद में कर दिए, आप इसी सीक्वेंस में बोर्ड मास को याद करेंगे। और बोर्ड मास का मतलब समझ लेते हैं। बी का मतलब आपका होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कि बी ब्रैकेट का हिंदी होता है आपका कोष्ठक, ऑफ का मतलब होता है गुणा से, डिवाइड का मतलब होता है भाग से, मल्टीप्लाई का मतलब आपका गुणा से होता है, एडिशन का मतलब जोड़ से और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना से। तो सबसे पहले हम इसके रूल में, बोर्ड मास के रूल में कि सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं। तो ये रूल आपका यहाँ फॉलो होता है। इस पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिए तो वहाँ से आपका कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपका शॉर्ट कट में यहाँ पर दिया हुआ है और इसको हम अभी डिटेल में आपको समझाते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में जो भी मान दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में जो मान है उसमें हम देखेंगे साइन आपका कौन सा लगा, चिन्ह आपका कौन कौन सा, केवल प्लस का साइन है। तो क्या करेंगे, हम सबको आपस में जोड़ लेंगे, 4 4 4 तीन बार है तो आपका ब्रैकेट हो जाएगा 12, और उसके बाहर आपका है डिवाइड का साइन और 4। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है केवल 12 है तो ब्रैकेट आपका हट जाएगा और 4 यहाँ पर है तो 4 से हम भाग दे देंगे 12 में। तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो मान है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसमें भी हम साइन को देख लेंगे। पहले हमारा प्लस माइनस गुणा भाग अगर सारे साइन दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर हम एडिशन करते हैं और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये उसी रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, उसी सिक्वेंस में करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे सॉल्व करके और इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि आपका 3 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आपको 4 मिल जाते हैं, तो यहाँ से 3 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया है। आपका भिन्न में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें सिंप्लीफिकेशन में दशमलव भिन्न में भी पूछा जा सकता है, बीजगणित के सूत्र पे भी आधारित पूछा जा सकता है। तो जो भी पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ से कन्फर्म हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है,
भिन्न में दिया है 1/3, बीच में आपका साइन क्या है भाग का, फिर 2/3, फिर प्लस का साइन है 4/3, मल्टीप्लाई गुणा का साइन है 5/3, माइनस का साइन है फिर 6/3, बीच में आपका का लगा हुआ, यही आफ का मतलब है। बी के बाद जो ओ होता है बोर्ड मास में, ओ का मतलब यही होता है। ये का जो का वाला क्वेश्चन देता है, इनके इनके बीच में क्या है का लगा हुआ है। का मतलब गुणा से होता है, का को हटा के हम यहाँ पर गुणे का साइन लगा सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके, इसको सरल करके इसका आंसर हमको बताना है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो ऑप्शन आप सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपका ये था पूरा, 1/3 भागा 2/3 प्लस 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 का 7/3, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल को याद रखेंगे, बी ओ डी एम ए और यस, बोर्ड मास रूल को हम याद रखेंगे यहाँ से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देखते हैं। ब्रैकेट तो आपका है नहीं कहीं क्वेश्चन में, नहीं होता तो ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम आफ को सॉल्व करेंगे। आफ आपका दिया है इनके बीच में 6/3 और 7/3 के बीच में आपका आफ दिया हुआ है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, इसका क्या लिख सकते हैं, इसको 6/3, आफ को का को हटाएंगे तो गुणा का साइन लग जाएगा आपका 7/3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6/3 गुणे लिख देंगे इसके बीच में 7/3। अब हम क्या करेंगे, देखिए आफ हो गया आपका सॉल्व, वो के बाद आपका क्या होता है बोर्ड मास में, बी ओ डी एम ए यस, आफ आपका सॉल्व हो गया। अब डिवाइड को हम देखेंगे, डिवाइड का साइन आपका कहाँ है, तो डिवाइड का साइन हमारा यहाँ पर है। तो 1/3 भागा 2/3 इसके बीच में डिवाइड लगा है, जब डिवाइड को हम गुणा में चेंज करते हैं तो ये जो आपका हर है अंश में चला जाता है और अंश आपका हर में चला आता है। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 और जो डिवाइड का साइन है इसके जब गुणा के चिन्ह लगाएंगे तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा इस पार्ट में। तो यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा और 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बी ओ डी, डी तक आप सॉल्व कर लिए, बी ओ डी ब्रैकेट आपका था नहीं, आपको आप सॉल्व कर लिए, डिवाइड को सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद से यम को सॉल्व करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन जहाँ होगा उस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई का साइन इनके बीच में है 4/3 इंटू 5/3 के, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 4/3 इंटू 5/3 में, तो ऊपर में कर देंगे नीचे का नीचे में, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20/9 यहाँ पर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व किए पूरा, तो यहाँ पर बचा था आपका 1/2, ये देखिए इसको सॉल्व किए तो ये बचा हमारा 20/9, और इसको सॉल्व किए तो 6 से यहाँ से 42 और 3 3 9, तो 42/9 आपका होगा। और यहाँ से हम 3 से काट दिए 42 को, 14 14 ऊपर आ गया और 3 आपका नीचे आ गया। यानी कि जब एक एक पार्ट को हम सॉल्व कर लिए, सबसे पहले का को सॉल्व किए, फिर भाग को सॉल्व किए, फिर गुणा को सॉल्व किए, अब क्या होगा इन दोनों पार्ट को सॉल्व किए तो हमारा आ गया 1/2, फिर हम बीच में आपका साइन क्या है प्लस का है, प्लस लगा दिए, फिर इस पार्ट को सॉल्व किए तो हमारा आया 20/9, बीच में आपका साइन क्या है माइनस का है तो हम माइनस लगा दिए, और इस पार्ट को हम सॉल्व किए तो 42/3 आपका आया था, 6 से 42 और 3 3 9, तो इसको हम एक बार और काट सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, 3 बार 3 से काटेंगे तो 14 3 42 और 3 3 9, तो इसका मान जो आएगा आपका 14/3, इस तरह से आपका आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपका आप क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया। इसमें हम फिर देखेंगे कि साइन आपका कौन कौन सा लगा, चिन्ह कौन कौन सा लगा है, तो प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, दो चिन्ह आपका है। सबसे पहले हम प्लस और माइनस में किसको सॉल्व करते हैं, बी ओ डी एम ए और यस, ये भी सॉल्व कर लिए, ये था नहीं वो सॉल्व कर लिए, डी सॉल्व कर लिए, एम सॉल्व कर लिए, ए आपका एडिशन का है, ये आपका सब्ट्रैक्शन का है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यानी कि जोड़ और घटाना में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर हम घटाएंगे, लास्ट में हम घटाते हैं। तब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, दो ही साइन है, एक जोड़ का और एक घटाने का। तो सबसे पहले हम जोड़ लेंगे, जो प्लस प्लस वाले नंबर होंगे उसको हम जोड़ लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसको इसके हर बराबर करके पहले प्लस वाला हम दोनों ऐड कर लेंगे, फिर उसमें से 14/3 को हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा -35/18 माइनस में आएगा, 49 में से 84 हम घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर। इसको हम इसको मिश्र भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं, -35/18 को। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर -1 से ही 17/18 आपका है, और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन से। तो ये आपका है कि 1/3
माइनस एक बटे टू माइनस एक बटे सात। इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये पहले आप समझ लीजिए। जो हमारा है लास्ट से यहाँ से, जैसे एक बटे सात सबसे नीचे क्या है आपका टू माइनस वन बाई सेवन, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टू माइनस वन बाई सेवन, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे क्या होगा आपका आंसर। तो इसका हर बराबर करने के लिए एक है, सात करने के लिए क्या करेंगे, सात से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा आपका चौदह माइनस एक बटे सात यानी कि तेरह बटे सात। टोटल जब हम इसको सॉल्व किए टू माइनस वन बाई सेवन को, तो तेरह बटे सात आपका आ गया। और इसी तरीके से अब क्या होगा, इसके जगह पे आपका क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन बटे तेरह बटे सात, इसका मान टोटल आपका आ गया था तेरह बटे सात, और इसके ऊपर भी आपका वन लगा हुआ है। तो ये जब क्या होगा, ये डिवाइड में हम भाग है, एक बटे तेरह बटे सात है, जब हम इसको मल्टीप्लाई यानी कि ऊपर ले जाएंगे तो सात आपका ऊपर हो जाएगा, तेरह आपका नीचे हो जाएगा, यानी कि थ्री माइनस सेवन बाई थर्टी, यहाँ से आपका हो जाएगा थ्री तीन माइनस सात बटे तेरह। अब क्या हो गया, ये पूरा हमारा आ गया, इसका मान हमारा थ्री माइनस सेवन बाई तेरह। अब क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, इसका हर बराबर करेंगे तेरह, तो तेरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनतालीस माइनस सात बटे तेरह, उनतालीस माइनस सात बटे तेरह आपका हो जाएगा। यहाँ से उनतालीस में से सात हम घटा लेंगे तो यहाँ से आपका आएगा बत्तीस बटे तेरह, यानी कि टोटल जो ये पार्ट था आपका, ये नीचे का पार्ट सॉल्व हो गया, अब ऊपर आपका एक बच रहा है, तो आपका आंसर आया है बत्तीस बटे तेरह। अभी इतने का मान आपका आया है, इतना टोटल हम सॉल्व किए, और ऊपर क्या है एक है, तो एक बटे बत्तीस बटे तेरह है, इसमें भी हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हर आपका ऊपर हो जाएगा, आंसर आपका नीचे हो, यानी कि तेरह बटे बत्तीस हो जाएगा, और वही आपका आंसर भी होगा तेरह बटे बत्तीस। तेरह बटे बत्तीस देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ से सॉल्व करते हैं, लास्ट से पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर इस यहाँ पर जो मान आएगा उसको रख के इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखिए सॉल्व करके दिखाया भी गया है, यहाँ पर देखिए सॉल्व करके दिखाया गया है, ये क्वेश्चन आपका था। सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट को सॉल्व किए टू माइनस वन बाई सेवन को, और यहाँ से आपका गया चौदह माइनस एक बटे सात, और इसका मान आ गया आपका तेरह बटे सात। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तीन माइनस एक बटे तेरह बटे सात को, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो सात आपका ऊपर हो गया और तेरह आपका नीचे हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे थ्री माइनस सेवन बाई थर्टीन को, तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा उनतालीस माइनस सात बटे तेरह, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा एक बटे बत्तीस बटे तेरह, उनतालीस में सात घटाएंगे तो बत्तीस आ जाएगा, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तेरह को तो तेरह आपका ऊपर हो जाएगा, और जो अंश आपका है वो नीचे ही रहेगा, हर आपका ऊपर हो जाएगा, भाग है यानी कि गुणे के रूप में जाएगा, तो ये तेरह बटे बत्तीस अपोजिट हो जाएगा, तो तेरह बटे बत्तीस ही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपके सिंपलीफिकेशन में बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि सिंपलीफिकेशन का जो आपका रूल है बोर्ड मास का है, बोर्ड मास में आपके ब्रैकेट भी होते हैं, आप भी होता है, सारे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें होती हैं, तो सारे पॉइंट मतलब एक ही वीडियो एक ही आपके क्वेश्चन में मिल सकता है। जैसे आपका यहाँ पर है देखिए माइनस का साइन है, टोटल केवल माइनस का साइन दिया गया है, लेकिन ब्रैकेट आपका तीनों ब्रैकेट है, चार ब्रैकेट होते हैं आपके, तीन यहाँ पर दिया गया, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले को, फिर बड़े को, उसके बाद से और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में जो भी पॉइंट है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो थ्री इंटू वन बाई टू माइनस टू इंटू वन बाई टू, इसका मान क्या है, ये मिश्र भिन्न है आपका, और इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, यानी कि तीन का हम दो में मल्टीप्लाई करते हैं और एक हम ऐड कर लेते हैं, तो तीन तीन का दो में मल्टीप्लाई करेंगे छः होगा, और एक ऐड करेंगे तो सात बटे दो हो जाएगा आपका ये, इसी तरह से दो का दो में मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐड कर लेंगे तो आपका पाँच बटे दो हो जाएगा, ये पाँच बटे आपका दो हो गया, हर बराबर है तो अंश को आप घटा सकते हैं, तो सात में से पाँच घटाएंगे और दो आपका हर होगा, यानी कि सात माइनस पाँच बटे दो आपका हो जाएगा, और यहाँ से आपका सात में से पाँच घटाएंगे दो बटे दो, दो बटे दो का मान होगा एक, यानी कि इस पूरे पार्ट को जो हम सॉल्व कर रहे हैं इस छोटे ब्रैकेट को, तो इसका मान आपका आ गया एक, यहाँ से हम याद रखेंगे। अब क्या हो गया, अब मझले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, मझले ब्रैकेट में आपका क्या है, चार सहित एक बटे दो और माइनस इसका टोटल मान था एक, यानी कि चार सहित एक बटे दो माइनस एक, ये पूरा आपका मझले ब्रैकेट में अब है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किए तो एक मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी साधारण भिन्न में बदल लेंगे, चार में दो से मल्टीप्लाई करेंगे और एक हम ऐड कर लेंगे, यानी कि नौ बटे दो ये हो जाएगा माइनस वन, मझले ब्रैकेट में आपका क्या है नौ बटे दो माइनस एक, ये हो गया आपका,
इस तरह से हमारा हो गया। जब इसको हम पूरा सॉल्व किए तो 9/2 - 1 इस ब्रैकेट में आ गया, मझले ब्रैकेट में 9/2 - 1। जब इसका हम हर बराबर करेंगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे और आपका हो जाएगा 9 - 2/2 टोटल। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9 में से 2 कटाएंगे 7, 7/2। यानी कि जब ये पूरा हम छोटा और मझला ब्रैकेट सॉल्व किए तो इसका पूरा मान आपका आ गया 7/2। सरल कर लिया हम इसको। अब इस पूरे की जगह हम 7/2 लिख सकते हैं, इसका मान आ गया। अब हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बड़े ब्रैकेट में आपका है 5 से 1/2, जिसको हम क्या करेंगे, 5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, यानी कि 11/2 ये हो जाएगा। और 7/2 आपका पहले से है जो इतना हम पार्ट सॉल्व किए हैं, और ये पूरा आपका है बड़े ब्रैकेट में। तो हर बराबर है, अंश को हम घटा लेंगे, 11 में से 7 हम माइनस कर लेंगे, 1/2 आपका होगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, और 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में। यानी कि टोटल हम पूरा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किए तो उसका मान आपका फाइनली क्या आ गया, 2 आ गया। टोटल ये पूरा सॉल्व किया तो इसका मान आ गया 2। इस पूरे की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और बाहर आपका क्या दिया हुआ था, 6 सहित 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट था, 2 आ गया उसके अंदर, ब्रैकेट हम हटा देंगे और 2 हम बाहर लिख लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, 6 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 13/2 - 2 आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन इतना सरल हो गया इस तरीके से। अब 2 का हम इधर हर बराबर करने के लिए 2 का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 - 4/2 आपका टोटल हो जाएगा, 13 - 4/2। यहाँ से 13 में से 4 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 9/2। तो 9/2 को हमको क्या, इस आंसर किस में दिया आपका, मिश्र भिन्न में दिया है, साधारण भिन्न में नहीं दिया है। मिश्र भिन्न का मतलब ये होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो 9/2 का मतलब जो कटता नहीं है, जो भी भिन्न आपका है उसमें से कट नहीं रहा, 9 आपका नहीं कटेगा 2 से, तो इसको हम मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 2 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके और किस में ऐड करेंगे तो हमारा 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 4 का हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं और 1 हम ऐड करते हैं, तो 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 9/2। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आप देख के कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा सोल्यूशन है और यहाँ से आपका आंसर आपका आ गया, यहाँ से 9/2 आया है। और इसको हम लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में 4 सहित 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से है और इसको सॉल्व करना है। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, चाहे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर एक बार समझ लिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ट्रिक इसमें है, थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका था ऐसे ही आपका, जैसे देखिए 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1, ये सीक्वेंस आपका चल रहा है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे आपका 1/10 तक है। ये दिया नहीं गया, बीच में डैश कर दिया गया, यानी कि 1/10 तक ये सीरीज आपकी चल रही है। और ये आपका है क्वेश्चन, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक एक ब्रैकेट के अंदर सारे पॉइंट को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1 - 1/2 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर हर बराबर करेंगे तो 2 - 1/2 और टोटल आपका हो जाएगा 1/2। इसका मान क्या हो जाएगा, ऐसे इसके हर बराबर करके सॉल्व करेंगे, इसके भी इसके सबका ब्रैकेट के अंदर ही हम सॉल्व कर लेंगे। इधर करेंगे 2 - 1/2 हो जाएगा, इसका करेंगे 3 - 1/3, इसका करेंगे 4 - 1/4, इसका करेंगे 5 - 1/5 और इसका करेंगे 10 - 1/10। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे हर बराबर करने के लिए 10 - 1/10, ऐसे ही आपकी सीरीज ये चलती रहेगी। तो ये आपका हो गया इतना। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, अब इसको और छोटा कर लेंगे, 2 में से 1 घटा लेंगे और हर आपका 2 है तो इसका मान पूरा आपका आ जाएगा 1/2। 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2/3 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4, यानी कि एक सीक्वेंस में ये चलता है। देखिए 1/2 है तो 2/3 हो गया, जो आपका हर इसका आ रहा है उसके अंश में आ गया, फिर इसका जो हर है ये यहाँ पर अंश हो गया, इसका जो हर है यहाँ पर अंश हो गया। ये देखिएगा आप सीरीज, ये इस तरीके से देखिए, ये 2 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है, ये 4 यहाँ पर, ऐसे 5 यहाँ पर आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और इसके बाद से आपका 9 तक आएगा। 10 आपका जो है यहाँ पर देखिए लास्ट में, इसको हम 10 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 10। लास्ट वाला पॉइंट ये है, यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको नहीं दिखाई गई, यहाँ पर बीच में गैप कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये सीरीज पूरी यहाँ तक चली 9/10 तक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/10 आपका आंसर आया कैसे, ये हम देखते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए 1/2 है, पूरा हम करके दिखाएंगे, इंटू ये आपका 2/3, 3/4, यहाँ पर सारी चीज़ें कट गई हैं, केवल ये 1 बचा है और ये नीचे का हर 10 बचा है। यहाँ से आंसर आपका 1/10 आया, हम करके दिखाते हैं। 4/4,
5/4, पहले हम यहाँ 5 तक सॉल्व कर लें। देखिए 1/2 है, 2/3 है, जब मल्टीप्लाई का साइन है तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 4/5 है आपका, ये इससे कट जाएगा, 5 तक तो आपका कट गया। अभी देखिए आगे क्या होता है, 5/4 था आपका, इंटू आपका क्या होगा, 6/4 होगा उसके आगे, फिर आपका 7/4 होगा, ये सीरीज चलती रहेगी, 8/4 होगा और 5/6 होगा, सॉरी 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10, ये हो गया आपका सीक्वेंस चल रहा है इस सीक्वेंस में। तो क्या होगा, 5 से 5 कट गया था पहले, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, हर में 10 बचेगा और स्टार्टिंग में आपका 1 बचा हुआ था, 1 किसी से नहीं कटेगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ से कटना स्टार्ट होगा, जो पहले नंबर पे होगा वो आपका बचता है और जो लास्ट में होता है वो बचता है, और वही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि 1/10, ये 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे आपका कटते चले जाएगा, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 9 से 9 भी कट जाएगा, केवल 10 आपका बचेगा क्योंकि यहीं तक दिया है और इधर 1 बचा हुआ है, तो 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही ट्रिक इसमें है और इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका दशमलव में है, दशमलव में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन का, तो 0.01 प्लस 2 इंटू 1.02 भागा 0.2 माइनस 0.5, इसको हमको सरल करना है, सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन आपका वही है, रूल भी वही फॉलो होगा बोर्ड मार्क्स का, यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें चिन्ह कौन कौन सा है, प्लस का है, गुणे का है, माइनस का है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, इन तीनों सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो 1.0/02 इंटू 1/02 इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा 1.02 और 1/0.2 का आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका मान आपका 5 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो इसका आंसर आपका देखिए क्या आता है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा 10.2। पहले हम गुणा सॉल्व कर लिए, जितना भी गुणा वाला था उसको हम सॉल्व कर लिए, 10.2 आ गया और ये आपका 0.01 है और ये आपका -0.5 है। तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो 0.01 है और 10.2 है इसको हम जोड़ लेंगे, दोनों आपका पॉजिटिव है, इसको जोड़ लिए हम, और -0.5 है इसको भी हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 10.2 एक में से 0.5 घटाएंगे, तो 9.71 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम दशमलव के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 0.8, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 0.8 × 0.8 × 0.8 माने 0.5 × 0.5 × 0.5 अपॉन 0.8 × 0.8 प्लस 0.8 × 0.5 प्लस 0.5 × 0.5, ये क्वेश्चन दिया है और ये आपका बीजगणित के सूत्र पर आधारित है। ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है और दशमलव में है, तो ये देखकर आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये आपके सूत्र पर आधारित है, डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं और ये सारे सूत्र आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं। तो देखिए आपका ये 0.0.8 ये 3 बार दिया है, ऐसे 0.5 3 बार दिया और नीचे भी आपका 2 ही संख्या मिल रही है, 0.8 और 0.5, केवल ये मिल रही है, तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ए क्यूब हो सकता है और -B³ हो सकता है, ये 3 बार दिया है तो हम क्यूब कर सकते हैं, 0.8 को हम ए मान लेंगे और 0.5 को हम बी मान ले रहे हैं, और नीचे आपका क्या है 0.8 × 0.8 है, यानी कि ए का स्क्वायर है और प्लस आपका a × b है, ए बी है और प्लस b² है, तो ये आपका कोई फार्मूला बन रहा है, a³ − b³ ऊपर दिया गया है और नीचे आपका दिया है a² + ab + b², तो a³ − b³ के फार्मूले पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस फार्मूले पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन, a³ − b³ / a² + ab + b², इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसका जो आंसर आपका आता है a-b आता है, इसको बिल्कुल सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जो a का मान है और जो b का मान है, 2 डिजिट आपका दिया गया है, पहला हम a मान लेंगे, दूसरा b मान लेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे उसका मान आपका आएगा a-b, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 0.8 में से 0.5 घटा लेंगे, तो यहाँ से आपका 0.3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो देखिए इस सूत्र पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, इस सूत्र पे बेस्ड है, तो पहले हम देख लेंगे किस सूत्र पे आधारित है, और अगर इस सूत्र पे आधारित है तो इसका आंसर आएगा a-b, तो 0.8 में से 0.5 घटा लेंगे, यहाँ से आपका 0.3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बीजगणित के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी आपका बीजगणित के सूत्र पर आधारित है, 2.6 × 2.6 −2.4 × 2.4 अपन 2.6 + 2.4, 2.6 को हम मान ले रहे हैं a और 2.4 को हम मान ले रहे हैं b, यहाँ से आपका a और b हो गया, 2 ही संख्या दी हुई है, तो ऊपर आपका है a²
माइनस बी स्क्वायर और नीचे आपका है ए प्लस बी, तो क्या करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए प्लस बी, इसका जो फार्मूला है ये देखिए, इसको इसके फार्मूले को हम तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और इंटू आपका हो जाएगा ए माइनस बी, और नीचे क्या है ए ए प्लस बी आपका दिया हुआ है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और बचेगा क्या ए माइनस बी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है ए माइनस बी। ए का मान है आपका 2.6 और बी का मान है आपका 2.4, इसमें से हम घटाएंगे तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ से देखिए 2.6 माइनस 2.4 की तो 0.2 आपका आंसर आ गया। तो बीजगणित के सूत्र पर आधारित इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे इतने आपके क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, इसको जरूर आप सॉल्व करके और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं सामने। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, ये बीजगणित के सूत्र पर आधारित है, इसको भी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।